कलवाही प्रखंड के राठ गांव में नागवंशी परिवार की ओर से हर साल नागपंचमी पूजनोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त ग्रामवासी शामिल होते हैं। इस बार भी पूरे विधि विधान के साथ हर्षोल्लास पूर्वक नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पूजा विधि विधान के साथ करके नाग देवता को प्रसन्न किया जाता है। उसके अगले दिन पूजा पाठ कर बछराजा नदी में मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस पूजा में मुख्य रूप से बिंदेश्वर भगत, चंदेश्वर भगत, महेश भगत, अशोक भगत, ललन भगत, सन्नी भगत, रविन्द्र भगत, जितेंद्र भगत, राजा बाबू भगत, पप्पू भगत, राम भगत, लक्ष्मण भगत, शंभु यादव, ललन यादव, ललन भगत, संजीव पासवान और विनोद यादव समेत सैकड़ों लोग सहभागी बनते हैं। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के काटने का भय नहीं होता। दिन सांपों को दूध से स्नान, पूजन और दूध पिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि पूजा करने से घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। वहीं पुजारी रमन झा ने बताया कि नाग पंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य देशों में लोग इस त्योहार पर नागों की पारंपरिक पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता को जल चढ़ाकर पूजा पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। वहीं इस बार नाग पंचमी शुक्रवार यानी 9 अगस्त को मनाया गया। नाग पंचमी का त्यौहार देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन उपवास और व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। पुरी जी बतेवे जेना नाग पंचमी के पूजनोत्सव यहाँ हर साल मनायल जाय छे, की विशेषता छे नाग पंचमी से, की लाभ होय छे लोग के? नाग पंचमी ई जे छे श्रावण महीना के शुक्ल पक्ष में पंचमी दिन का नाग पूजा होय छे। जय केला सा मनुष्य के हर मनोकामना काल सर्प दोष भी होय छे, घर में पति पत्नी में नहीं बने छे या घर में कोनो भी अशांति छे, ई जे नाग पंचमी केला सा नाग पूजा केला सा कोई घर में हुनका दूध लावा चढ़ेला सा, हुनकर पंचोपचारे पूजा, हुनकर फूल माल्या जोगों पवित्र वस्त्रादि सब देला सा हर मनोकामना के पूर्ति ओहि घर सा काल सर्प दोष जे छै से ओकरा घर में सा हटै छै आ सदैव सुख शांति समृद्धि कल्याणमयी ओहि परिवार के लेल होइ छै। परिवार हिंदुत्व धर्म में नाग पंचमी के दिन हर प्रत्येक घर में से नाग देवता के पूजा कयल जाय आ विशिष्ट रूप सा मूर्ति पूजा प्राण प्रतिष्ठा क क इस सामाजिक समीकरण के संतुलित आ स्विकास आ शांति समृद्धि कल्याण के लिए सबसे पैघ नाग देवता के पूजा अछि। जय शेष नाग अवतार स्वरूप, जय पृथ्वी के भार दुनिया एक मिनट के पड़े तकर भार सभी भगवान हटवा वाला, हर आदमी के काल ग्रह घर से हटवा वाला, सदैव घर में सबके सुख शांति समृद्धि देवा वाला नाग पंची श्रावण के आज जय पूजा केला सा भगवान सबके घर में नाग देवता कल्याणकारी सुख शांति समृद्धि। पुरी जी नाग संरक्षण के लगे की कहबे, नाग देवता के संरक्षण होइ छे, लोग मारि दै छे, कुछ कह दै छे, तो ओइ के लेल की कहबे? हिंदू धर्म में हमरा सब आय देवता के मारबाक नहीं चाही, जत होय हुनका प्रणाम पाती क क हुनका श्रवण करी, जे कोनो त्रुटि जै तै पर नाग डीह कहल जाइ छै, जै तै पर नाग डीह मतलब नाग देवता रहै छथिन, नाग रहै छथिन ओहि डीह के कल्याणकारी होइ छै, सदैव ओ घर में वृद्धि होइ छै, कल्याणमयी होइ छै, नाग डीह कहल जाइ छै। तो या नाग के कम से कम मारक तऽ नहिए चाही, हुनकर सदैव नमन करक चाही, हुनकर ध्यान करक चाही। अपन परिचय की भेले? हमर परिचय भेले हम हिनका सबके महेश भगत साहब ब्राह्मणपुर मनबैल कटिहार घावा जते छथि अय के भेलियनि कुल पुरोहित भेलियनि, जे कुल के हित के बारे में समाज के हित के बारे में सदैव ज्ञान देबा वाला हम कुल पुरोहित। हमर नाम भेल रमन झा, घर बढ़िया पोस्टमरिया थाना बासोपट्टी जिला मधुबनी, संपर्क नंबर जिनका विशेष काज के लिए जिनका करो के हो 77 39 52 85 33 नंबर पर संपर्क करें, जैसे हुनकर हर मनोकामना हर यज्ञ के लिए विशिष्ट शादी विवाह यज्ञ उपनयन मुंडन शुभ उपलक्ष्य में हर देवता के पूजन में
हम उपस्थिति करे छे और करित रह। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइया सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है, यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है? खाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, सहरघाट, मधुबनी।